वीडियो में हम बात करेंगे जो एमएस पेंट हमने आपको एक वीडियो बनाया है, एमएस पेंट के बारे में फुल इन्फॉर्मेशन उसमें दिया गया है। मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से भी देख सकते हैं या मेरे चैनल से प्लेलिस्ट को आप ओपन करिए, उसमें एमएस पेंट का एक प्लेलिस्ट बना होगा, उससे जाके आप आसानी से देख सकते हैं। तो हम यही बताएंगे इस वीडियो में कि एमएस पेंट में जो शॉर्टकट की है वो कैसे यूज करते हैं और जो महत्वपूर्ण शॉर्टकट की है उसका क्या महत्व है और यूज कैसे करते हैं, इस वीडियो में यही जानकारी दी जाएगी। चलिए शुरू करते हैं। पहले एमएस पेंट अपना ओपन कर लेते हैं। कौन कौन शॉर्ट की हम बताने वाले हैं वो आपको लिखवा भी दूंगा। चलिए पहले हम एमएस पेंट को ओपन करते हैं। एमएस पेंट को ओपन करने के लिए विंडो प्लस आर बटन दबाना है और यहाँ पे एमएस पेंट टाइप करना है और ओके कर देना है। तो यहाँ पे मेरा ये एमएस पेंट खुल गया। तो हम देखिए एक शॉर्टकट की के नाम से हमें ये फाइल सेव करके रखे हैं। देखिए शॉर्टकट जो आपको ये स्क्रीन पे दिख रहा है आपको इसको लिख लेना है, आपको इसको लिख लेना है जो स्क्रीन पे दिख रहा है, क्योंकि ये महत्वपूर्ण शॉर्टकट की है और यूज में आने वाले हैं। मतलब एमएस पेंट से रिलेटेड जो शॉर्टकट की है वही महत्वपूर्ण है, जैसे कंट्रोल एन, कंट्रोल ओ, कंट्रोल एस, कंट्रोल सी। ऐसा तो हर जो एप्लीकेशन बताया जाएगा आपको अगला टॉपिक, उसमें जितनी शॉर्टकट की होगी उसके लिए स्पेशल वीडियो बनाया जाएगा। तो हमने एक तो फुल वीडियो इन्फॉर्मेशन आपको दे दिया है। अब शॉर्टकट कैसे यूज करते हैं हमें अलग से भी वीडियो बना के आपको दिखा देते हैं। हम ये इतना जो 11 शॉर्टकट की है हम इसी के बारे में आपको बताएंगे कि कैसे यूज करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ये पहला कंट्रोल प्लस एन न्यू का क्या मतलब होता है। हमने आपसे बताया था कि कोई न्यू पेज लेना है मुझे इस एमएस पेंट, मान लीजिए हम ओपन किए हैं एमएस पेंट को, इस पेंट को ओपन किए हैं, हम चाहते हैं कि एक मेरे पास न्यू पेज आ जाए, मुझे अब इसमें कार्य नहीं करना है, एक न्यू पेज आ जाए, ब्लैंक पेज मतलब सादा पेज। तो आप कंट्रोल दबाए रखिएगा कीबोर्ड में और एन दबाइएगा, तो ये पूछेगा कि जो ये आप बनाए हैं इसको सेव करना चाहते हैं या नहीं। तो हम जाहिर सी बात है आपको पेंट जो बताया गया है, जो इसमें जिस वीडियो में पेंट के बारे में इंफॉर्मेशन दिया गया है उसमें आपको ये सब बताया गया है कि इसको आप सेव करना चाहते हैं या नहीं। मान लीजिए ये सारा चीज़ मेहनत किए हैं बनाकर, तो ये सब तो डिलीट ऐसे ही कर किया नहीं जाएगा, इसलिए जब हम न्यू पेज ओपन करेंगे तो ये पूछेगा आपसे कि जो ये आप बनाए हैं उसे सेव करना चाहते हैं या डोंट सेव। जैसे ही आप डोंट सेव करिएगा एक न्यू पेज आपके पास ओपन हो जाएगा। देखिए एक न्यू पेज ओपन हो गया, चलिए हम उसको खोल लेते हैं फिर से। तो ये पहला शॉर्टकट क्लियर आपका हो गया न्यू पेज। इसका फाइल मेनू में जाइएगा तो यहाँ पे न्यू दिया है, इसी का शॉर्टकट होता है। अब बात करते हैं कंट्रोल प्लस ओ मतलब ओपन। इसका क्या मतलब होता है कि कोई ऑलरेडी फाइल बना बनाया हो, जैसे कहने का मतलब है कि हमने फाइल में गया यहाँ से ओपन करके हम कोई ऑलरेडी फाइल बना है एमएस पेंट का उसको ओपन कर सकते हैं, लेकिन हम यही कीबोर्ड में प्रेस करेंगे, कंट्रोल दबाए रखेंगे, ओ दबाएंगे तो ये आपसे पूछेगा लोकेशन की वो फाइल कहाँ है। तो मान लीजिए मुझे ये फाइल कोई खोलना है, मान लीजिए यही वन नाम का फाइल खोलना है, तो ओपन कर दीजिए ये, फिर ये ओपन हो जाएगा। फिर अब कंट्रोल को करिएगा तो हम जो फाइल बनाए हैं जो अभी ओपन किया था पेंट शॉर्टकट के नाम से इसको ओपन कर लेंगे, तो ये आपका दूसरा भी क्लियर हो गया। तीसरा बात करते हैं कंट्रोल एस की, मतलब ये सेव क्या होता है। देखिए पहले से ये मेरा बना बनाया और सेव था ये फाइल, तो अभी हम अगर कंट्रोल एस दबाएंगे तो आप समझिएगा, देखिएगा यहाँ लिखता है नाम पेंट शॉर्टकट के नाम से ये फाइल बना है। तो कहने का मतलब है कि हम कंट्रोल एस प्रेस कर रहे हैं या यहाँ से हम सेव प्रेस कर रहे हैं तो ये आपसे तो कुछ नहीं बोल रहा है, ये क्यों नहीं आ रहा है ऑप्शन, मतलब कहाँ सेव करना है, लोकेशन क्यों नहीं आ रहा है। तो ये कहने का मतलब है कि कोई ये फाइल ऑलरेडी पहले से सेव है, तो अब इस पर आप थोड़ी सी कार्य कर लीजिए। मान लीजिए ये सब हम बना लिए, फिर ये सब हम बना लिए तो इससे ये फायदा होगा आपको, इसमें मान लीजिए फिल कर लीजिए कलर, अब जैसे कंट्रोल एस दबाइएगा तो साथ ही साथ ये भी सेव हो जाएगा। इतना तो मेरा पहले से सेव था, ध्यान से समझिएगा, इतना तो मेरा पहले से सेव था और ये कोई न्यू दो सेव बना दिए हैं और उसके बाद हमने कंट्रोल एस किया तो ये ऑलरेडी पहले से सेव था, उसके साथ साथ ये भी सेव हो गया। तो आप देखना चाहते हैं यहाँ से फाइल में जाइए, ओपन करिए, पहले वन नाम का फाइल ओपन करिए, फिर ओपन यहाँ से करिएगा चाहे कंट्रोल ओ करिए, यहाँ से आप देखिएगा ये बन गया है, ये हमने दो बना कर सेव किया था।
चलिए कंसेप्ट का एक और अच्छा ब्लैंक नोट पेड लेके बना लेते हैं। अब चलिए कंट्रोल एन करिए, न्यू पेज ले लिए, उसके बाद देखिए अब इसमें हम कुछ मान लीजिए ये सेव बना लिए, अब इसको कलर कर लिए, अब इसको हम चाहते हैं सेव करना है मुझे, तो जैसे सेव करिएगा कंट्रोल एस प्रेस कीजिए तो सेव करिएगा तो ये लोकेशन पूछने लगा कि आपको कहाँ सेव करना है, किस नाम से सेव करना है। तो हम यहाँ से कहते हैं कि ये पिक्चर में मुझे सेव करना है, मुझे ए बी सी नाम से ये फोल्डर फाइल को सेव करना है, सॉरी फाइल को, तो ए बी सी के नाम से फाइल को सेव करना है, तो सेव कर दीजिए यहाँ से। तो आपने तो सेव कर दिया है, अब चलिए यहाँ से पहले मेरा अब ओपन करने के लिए हम क्या सॉफ्टवेयर बताए थे, कंट्रोल ओ, कंट्रोल ओ प्रेस कीजिए। अब यहाँ से मेरा ये पहले वाला खोल सकते हैं या कंट्रोल ओ करिए, यहाँ से अभी जो सेव किए ए बी सी के नाम से वो खोल सकते हैं। तो सेव का मतलब आपको पता चल गया। अब चलिए वही बोल लेते हैं, अब देखिए यहाँ बात करते हैं, यहाँ मेरा सेव भी हो गया। अब यहाँ कॉपी की बात करते हैं, तो कॉपी आपको या तो आप टेक्स्ट लिख लें या आप टेक्स्ट लिख लें, दोनों करके बता देते हैं। टेक्स्ट मान लीजिए लिख लिए हम मैन, टेक्स्ट एक लिखे हैं और कोई सेव बना है ये स्टार। अब इसमें हम कलर फिल कर देते हैं, कलर फिल कर दिए। अब हम चाहते हैं कि इसको मुझे कॉपी करना है, मेन को कॉपी करना है। तो आप जानते हैं कि सबसे पहले मुझे सेलेक्ट किया जाता है, ये सेलेक्ट पहले करेंगे हम, कोई भी चीज़ करने के लिए सेलेक्ट करिएगा और फिर यहाँ से कॉपी आप कर देते हैं। तो आप इसका शॉर्टकट की कंट्रोल सी प्रेस करिए और फिर पेस्ट करने के लिए देखिए यहाँ पाँचवें नंबर पर है ये कंट्रोल वी, इसका शॉर्टकट क्या होता है, कॉपी करने के बाद जब तक आप पेस्ट नहीं करिएगा उसका डुप्लीकेट नहीं बनेगा, तो उसका यूज करेंगे कंट्रोल प्लस वी जिसका शॉर्टकट की होता है, सॉरी कंट्रोल प्लस वी जिसका होता है पेस्ट। तो चलिए कंट्रोल वी करिए, फिर आ गया। तो आप जानते हैं कि एक बार कॉपी कर लेने के बाद अगर आप हजार बार या जितना बार आप पेस्ट करिएगा तो वो उतना बार ही आएगा। अब इसी तरह मान लीजिए इस सेव को हमने सेलेक्ट किया और कंट्रोल सी दबा दिया, तो अब ये वाला सेव कॉपी होने लगेगा। अब जैसे पेस्ट करेंगे इसका डुप्लीकेट आने लगेगा, कंट्रोल वी, कंट्रोल वी। अब कहने का मतलब है एक बार सेलेक्ट करके अगर कॉपी कर लिए तो उसका पेस्ट जितना बार करिएगा उतना बार आएगा, कंट्रोल वी से पेस्ट होता है। यही कट का हमने बताया था कि आप चाहते हैं ये स्टार को मुझे कट करना है, यहाँ से हटा के कहीं और रखना है, तो इसका कंट्रोल एक्स होता है। छठा का शॉर्टकट क्या होता है, कंट्रोल एक्स। सेलेक्ट करने के बाद आप कंट्रोल एक्स प्रेस करिए, यहाँ से कट हो जाएगा और फिर इसको कट जो किए हैं उसको पेस्ट करना पड़ता है, तो इसका शॉर्टकट कंट्रोल भी अभी बताया हमने। तो ऐसे ही आप चाहते हैं इसको यहाँ से कट करना है, तो इसको सेलेक्ट करिए, कंट्रोल एक्स करिए, कंट्रोल भी फिर कर दीजिए, तो आप कॉपी पेस्ट कट ये भी समझ गए। अब देखिए कंट्रोल जेड का क्या मतलब होता है, कहने का मतलब है हमें इसमें फिल करना था, इसमें फिल करना था मुझे रेड कलर, हमने गलती से ब्लू फिल कर दिया, तो आप कंट्रोल जेड से वापस कर सकते हैं और फिर रेड कलर भर सकते हैं। और ऐसे ही मान लीजिए फिर मैंने एक सेप बनाया, इसमें मुझे भरना था ये ग्रीन कलर, तो हमने भर दिया ये ब्लू कलर। तो देखिए क्या होता है कि हम गलती से तो भर दिए, तो अब क्या करेंगे, इसको हम डिलीट थोड़ी करेंगे, तो आप यहाँ से कंट्रोल जेड एक बार प्रेस कर दीजिए, आसानी से आप यहाँ पर ग्रीन कलर सेलेक्ट करिए फिर फिल कर दीजिए। तो इस तरह से कंट्रोल जेड का यूज़ करते हैं। और कंट्रोल वाई का क्या यूज है, हमने मान लीजिए कि ये सब सेव बनाए हैं, हम ये सब सेव बनाए हैं और इसमें कलर भी फिल किए हैं और हम कंट्रोल जेड कर दिए हैं, तो ये तो सब गायब होने लगेगा। तो हम चाहते हैं कि नहीं मुझे फिर ज़रूरत था उस सेव का, हम गलत हैं, तो हमने गलती से कंट्रोल जेड, हमसे ये कंट्रोल जेड हो गया, तो हम चाहते हैं कि नहीं वो फिर जो हम गायब किए हैं वो फिर वापस आ जाए, तो वापस लाने के लिए आप कंट्रोल वाई प्रेस कर सकते हैं। अगर कंट्रोल जेड से गलती से कुछ वापस चला गया हो तो आप उसको वापस लाने के लिए कंट्रोल वाई का प्रयोग कर सकते हैं। अब देखिए कंट्रोल जेड करेंगे तो ये तो सब एक एक करके एक स्टेप पीछे जा रहा है ना, तो हम चाहते हैं इसको वापस लाएँ फिर, तो कंट्रोल वाई का यूज कर सकते हैं। और ऐसे ही आप यहाँ पर देख सकते हैं, अब देखिए यहाँ पर ये 9 नंबर जो है हमने गलती से ऐड कर दिया यहाँ पे, अब 10 नंबर इसका बात करते हैं। देखिए
अब कंट्रोल प्लस का क्या मतलब होता है, इरेज बिग साइज मतलब कहने का मतलब, ये आपने ये कोई इरेजर लिया है तो इरेजर से आप ये इरेज कर रहे हैं, तो इरेज कर रहे हैं तो हम चाहते हैं कि ये इरेजर बहुत छोटा है, हम चाहते हैं इसको बड़ा कर लें कि ताकि वो आसानी से बहुत जल्द इरेज कर पाए, तो आप कंट्रोल दबाए रखिए फिर प्लस दबाइए। तो यहाँ पे इसका मतलब यही हुआ कि आप कंट्रोल प्लस से आप इरेज को साइज को बड़ा कर सकते हैं। अब देखिए इरेजर की साइज बड़ी हो गई, और ऐसे ही हम चाहते हैं कि अब चाहते हैं कि नहीं मुझे इरेजर को छोटा करना है, तो यहाँ पे देख सकते हैं कंट्रोल प्लस माइनस इरेजर स्मॉल साइज, तो कंट्रोल प्लस माइनस करिए इरेज का स्मॉल साइज हो जाएगा, ठीक है। अब ऐसे ही देखिए आप इरेज को जितना बड़ा करिए प्लस से करिए और माइनस से आप छोटा कर सकते हैं। ऐसे ही कोई सेप बना है, अब ये सेप बना है हम इसका चाहते हैं इसका आउटलाइन को मोटा करना है, तो इसका आउटलाइन को मोटा करने के लिए आप साइज से यहाँ से तो कर ही सकते हैं, लेकिन इससे भी ज़्यादा मोटा करना है तो आपको कंट्रोल प्लस प्रेस करना होगा, जितना प्रेस करिएगा इतना तक हो सकता है, कंट्रोल माइनस से ये लाइन पतला हो सकता है, तो आप इसका ध्यान रखें कंट्रोल प्लस से आउटलाइन को भी मोटा किया जा सकता है, पतला किया जा सकता है शेप की, और इरेजर को भी बड़ा किया जा सकता है छोटा किया जा सकता है। अब देखिए ऐसे ही इसमें हम सारी शॉर्टकट की बता दी हैं जितनी ज़रूरत थी पेंट के हिसाब से, और अदर और टॉपिक जब शुरू होगा उसका भी एक शॉर्टकट वीडियो अलग से बनाया जाएगा और उसमें बता दिया जाएगा, और इसमें आप कार्य करके भी आपको बताया जाएगा इससे क्या कर सकते हैं काम, इसमें क्या बना सकते हैं, आपको कुछ ड्राइंग बना कर दिखाया जाएगा, और साथ ही साथ ये जो हमने बनाया है इसको भी आपको बनाना हम सिखाएंगे कि इसको हम कैसे बना सकते हैं आसानी से। अगर आप सीखना चाहते हैं तो आप मेरे वीडियो में कमेंट करिए कि हाँ मुझे ये जानना है, तो हम इस पे वीडियो बनाकर अपलोड कर दूंगा। आज के वीडियो में बस इतना ही, अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मैं नया वीडियो अपलोड करूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। धन्यवाद।